मोदी सरकार 2.0 का आज पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में पेश किया। 2 घंटे से ज्यादा चले सीतारमन के बजट भाषण में क्या रही खास बातें, आइए नजर मारते हैं। सबसे पहले बजट के अच्छे पॉइंट्स की बात करते हैं। आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी। निर्मला सीतारमन ने अपने पहले बजट में ऐलान किया है कि अब दोनों पैन और आधार टैक्स रिटर्न भरने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, और जिन लोगों के पास पैन नहीं है वो सिर्फ आधार नंबर का प्रयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दर्ज कर सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड। अब यात्री अपने बस का खर्चा, टोल टैक्स, पार्किंग चार्जेस, शॉपिंग के लिए एक ही कार्ड का उपयोग कर पाएंगे, और तो और पैसे निकलवाने के लिए भी इसी कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा। आधार टू NRIs ऑन अराइवल। भारतीय पासपोर्ट वाले NRIs को अब देश में आते ही आधार कार्ड मिल जाया करेगा। पहले NRIs को आधार बनवाने के लिए 180 दिन तक का इंतजार करना पड़ता था। 3000 पर मंथ पेंशन फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अधीन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वो आदमी जिनकी आय 15,000 महीने से कम है, वो 60 साल की उम्र के बाद 3,000 प्रति महीने की पेंशन मिला करेगी। निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को मैं सिटीजन फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर ओरिएंटेड बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। टैक्सेस की अगर बात करें तो पर्सनल टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 45 लाख तक के होम लोन में अतिरिक्त 1.5 लाख की छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सरकार इंसेंटिव्स देगी। इसके अलावा GST भी इनके ऊपर 12% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। 70,000 करोड़ फॉर बैंक्स। बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार 70,000 करोड़ की कैपिटल बैंकों को देगी ताकि क्रेडिट को बूस्ट मिल सके। एजुकेशन। सरकार के द्वारा नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जाएगी। विश्व पद्री उच्च शिक्षा संस्थान बनाने के लिए 400 करोड़ देगी सरकार। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम से विदेशी बच्चों को भारत में पढ़ने के लिए आकर्षित किया जाएगा। भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए एक शानदार बजट को प्रस्तुत करने के लिए देश के लोगों की अपेक्षा और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला ये बजट है। समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने, गाँव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला ये बजट है। आइए अब बात करते हैं बजट के कुछ बुरे पॉइंट्स की। डिफेंस। देश की रक्षा के मुद्दे पर ज्यादातर चुनाव लड़ी और जीती इस सरकार ने डिफेंस के लिए बजट में कुछ खास नहीं रखा। ऐसे समय में जब रक्षा में निवेश बढ़ाने की जरूरत थी, उसमें निर्मला सीतारमण के बजट में कोई खास मेंशन तक नहीं आया डिफेंस सेक्टर का। पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको बजट कहूं या ना कहूं, बजट स्पीच है या नहीं। सामान्यतः बजट स्पीच क्या होती है? बजट स्पीच में वित्त मंत्री बताते हैं कि हमारी सरकार की ये योजना है, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए, दूसरी योजना है, इसके लिए 1,500-2,000 करोड़ रुपए, जो कुछ भी एलोकेशन होता है। बजट स्पीच कोई कविता नहीं है, बजट स्पीच कोई ललित निबंध नहीं है, बजट स्पीच में गणित होता है कि हम फला चीज में इतना पैसा देंगे। निर्मला जी ने अपनी स्पीच में एक भी जगह बजट एलोकेशन नहीं बताया। अब वो बजट पेपर में कहीं छुपा हुआ होगा, देखेंगे तो उसके बाद बात करेंगे, लेकिन अभी तो मैं इसे जीरो बजट स्पीच कहूंगा। जॉब्स। देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है बेरोजगारी की। देश के ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार ने अपने बजट में नौकरियां बढ़ाने की कोई बात तक नहीं की, जो कि बहुत ही दुखद है। फ्यूल बिल। आम लोगों के लिए एक और झटका सीतारमन जी ने दिया। पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को 1 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर, गोल्ड पर भी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है। फार्मिंग सेक्टर। देश में एक और संकट किसानी का भी है। हर साल हजारों किसान गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी और रक्षा की जैसे ही किसान समस्या को निजटने के लिए भी सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाए। नथिंग न्यू, सिंपली दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इंडिया व्हिच मे बी अपीयर्ड एज एन एल्डोराडो फॉर ऑल, बट इन रियलिटी ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंसिंग द पेन ऑफ इकोनॉमी। देयर इज नो प्लान for employment generation. That is why I am telling it that it is old wine in a new bottle. No new endeavor. हमारे हिसाब से ये बजट अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। अब हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार खेती, रोजगार, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी गौर करना शुरू करेगी।
खैर जाते जाते आपको बता जाते हैं कि क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं और क्या क्या सस्ती। सस्ते हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, और महंगे हुए हैं पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, पीवीसी, विनल फ्लोरिंग, टाइल्स, मेटल फिटिंग्स, माउंटेन्स फॉर फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स, सर्टन काइंड्स ऑफ सिंथेटिक रबर्स, मार्बल स्लैब्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सीसीटीवी कैमरास, आईपी कैमरास, डिजिटल एंड नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स और सिगरेट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।